एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये वीडियो लेक्चर हमारा नंबर सिस्टम सीरीज का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है? क्योंकि लगभग हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे स्टार्टिंग वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो पार्ट में कि हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसके हम एंडिंग टॉपिक्स में पहुंच चुके हैं लगभग, ठीक है? तो ये हमारा लास्ट वीडियो है सीरीज का, और आपको इस टॉपिक पे और एडवांस कुछ क्वेश्चंस या फिर वीडियो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उस पर बना दूंगा, ठीक है? तो टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट्स, ठीक। दूसरा टॉपिक हमारे पास जो रहता है वो है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है? दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट हमारी कैलकुलेशन को ईजी करेगा और डिवीजन एल्गोरिथम हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट में काम आने वाला है, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से देखें और टॉपिक को समझें, अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दोबारा इसे समझाने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर हो ताकि लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस हो, और क्लास 9th के लिए तो वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं दोनों, है ना? तो अब स्कूल के बच्चे भी और गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इन चीज़ों को एडमायर कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे इसमें क्या क्या होने वाला है, विदाउट एनी देरी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट में क्या है देखते हैं एक बार, ठीक है? देखो, मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट कुछ नहीं है, इसमें बेसिक कैलकुलेशन को ईजी बनाने का हमें एजेंडा देखना है, ठीक है? जैसे हम बात करें ना, हमारे पास सपोज के लिए कोई बहुत अजीब सा नंबर है, 5 6 0 × 999, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम जाने वाला है, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 से फिर तीसरे 9 से, फिर यहाँ पे कैरी वैरी आएगा, बहुत टफ कैलकुलेशन ये बना देता है, ठीक है? तो इसके कंपेरेटिवली हम अगर मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमारी काफ़ी ईजी हो जाने वाली है। कैसे होने वाली है अब देखते हैं हम इसको, ठीक है? एक बार तो देख लेते हैं, देखो कैसे, 560 को तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, 999 को, यानी कि 999 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 − 1, है ना? अब क्या होगा जब ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ठीक, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 560। अब ये इसके कंपेरेटिवली काफ़ी इजी हो जाता है सॉल्व करना, कैसे? क्योंकि माइनस और एडिशन, यानी कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन तो हमें बेसिक आते ही है ना? मल्टीप्लीकेशन में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें कैरी लेना पड़ता है, फिर एड ऑन करना पड़ता है, लास्ट में नंबर इधर उधर हो जाते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी टफ बन जाती है, ठीक है? तो इसी को ईजी बनाने में, ईजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए हमें इस मेथड का यूज़ करना पड़ता है, और इसको सॉल्व करेंगे ना अभी ईजीली सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक? 0 4 4, ठीक, 9 5 5, तो आंसर इसका हमें ये मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप करने बैठे होंगे उसके कंपेरेटिवली ये काफ़ी इजी रहता है। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी नहीं किया क्योंकि मुझे ये समझाना था, आप इसको अपने मेथड के हिसाब से कर सकते हैं कि आप इस तरीके से लिखें और डायरेक्टली इसको सीधा आंसर लिख दें, ठीक है? तो ये आपके जब भी आपको एग्जाम दे तो वहाँ पे बहुत काम आने वाला है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं इस मेथड को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं, एक दो, पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। अब सपोज के लिए, ठीक है, हमारे पास कोई बड़ा नंबर था, 5 6 7 9 8 5 या 5, इसको मल्टीप्लाई करना था 990,099,999 से, ठीक है? तो कैसे कर सकते थे, जो नंबर दिया हुआ है उसको एज इट इज उतार लो, मल्टीप्लाई, हमें पता है कि 99,999 कैसे आ सकता है जब हम 1 लाख में से -1 कर दें तभी अवेलेबल हो पाएगा नंबर, है ना? तो इन चीज़ों को हम इस तरीके से नोटिफाई कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो जो भी मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास नंबर अवेलेबल होगा उस टाइम, ठीक, वो क्या होगा, अगर जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलने वाला है ये, और जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो हमें मिलने वाला है ये, तो इससे जब ये माइनस करेंगे ना, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो ईजिएस्ट वे में हमें ये आंसर मिलने वाला है, ठीक है? तो हम मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट का इतनी बड़ी कैलकुलेशन को ईजिएस्ट वे में करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था ये, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, जो आपकी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, देखो, एक तो होता है मतलब अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बेसिस पे देखें ना तो ये दो टाइप से मिलते हैं, एक तो प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, ठीक है, जो कि ईजिएस्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है, देख लेते हैं इसको, दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्चुअली यार वहाँ पे थोड़ा सा कम स्पेस है तो यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। अब सपोज के लिए हमारे पास कितना है, 9 7 8 × 184 प्लस 9 7 8 × 816 है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, और विदाउट बॉड मास के यूज़ से, ऐसे बॉड मास तो हर जगह लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम इसको इजी किस तरीके से बना सकते हैं, हमें इस शॉर्टकट में ये देखना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक टर्म तो पूरा कॉमन दिख रहा है मुझे इनमें,
कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर ही ले लेते हैं कॉमन के तौर पे, ठीक है। यहाँ बचेगा 1 × 184 तो कितना आ जाएगा, 184 ही आ जाएगा। यहाँ इस चीज़ को जब मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 × 816 तो कितना आ जाएगा, 816 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जब 978 को मल्टीप्लाई करेंगे इस एडिटिव नंबर से तो ये आने वाला है 1000, और मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा 978000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 978000 हमारे पास इसका आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को हमने मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट मेथड से भी काफ़ी ईजी कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इस टॉपिक का यूज़ किया जाता है मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट का, ठीक। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, ठीक, समझ में आया, गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हाँ, अब डिवीजन एल्गोरिदम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है मैं बता देता हूँ इजीएस्ट वे में। देखो, अगर छोटी स्कूल क्लासेस की बात की जाए, जैसे क्लास 9th और क्लास 8th जैसे जो है, ठीक है, उनके लिए तो ये टॉपिक ही है, उनकी एनसीईआरटी में तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। बाकी जो गवर्नमेंट जॉब की एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने कभी किसी भी सेक्टर में जिसमें अर्थमेटिक्स और एडवांस लेवल की आती है मैथ्स, ठीक है, अर्थमेटिक और क्वांट दोनों ही एडवांस लेवल की आती है, वहाँ पे एक टॉपिक आता है रिमाइंडर थ्योरम्स, ठीक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम्स और बहुत सारी वेरियस टाइप की रिमाइंडर थ्योरम वहाँ पे है। तो उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमें डिवीजन एल्गोरिदम बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि विदाउट डिवीजन एल्गोरिदम आप वहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये टॉपिक उस पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और तो उसको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखो, सपोज के लिए हमें एक फ्रैक्शन दी गई है 25 / 5, ठीक है। तो 25 को हम हमेशा अंदर लिखते हैं डिवाइडेड करने पे और ये बाहर आता है, और जितना टाइम्स जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जो भी मल्टीप्लाई होकर के आता है उसको यहाँ लिखते हैं और माइनस करते हैं, तो और जो माइनस होकर के जो भी हमारे पास नंबर आता है उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये है डिवीजन करने का एक फॉर्मेट, यानी कि डिवाइड करने का एक फॉर्मेट, ठीक है। अब एक बार ना इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, इसको हो गया, इसको हो गया, और इसको हो गया, और इसको हो गया। तो इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्यूशेट, ठीक। ये जो होता है, ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। और ये जो लास्ट में हमारे पास सब्सट्रैक्शन के बाद आंसर आता है ना, वो होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम एक्चुअल में बताता क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम बताता है हमारे डिवाइजर, डिविडेंड, क्यूशेंट और रिमाइंडर के बीच में एक बहुत बढ़िया रिलेशन, ठीक है। रिलेशन किस टाइप का, कि ये जो एक्चुअल डिविडेंड है ये किस तरीके से ड्राइव्ड होता है और इस फ्रैक्शन का क्या आंसर आने वाला होता है, सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं डिवीजन एल्गोरिदम से, ठीक है। जैसे सपोज के लिए डिवीजन एल्गोरिदम है क्या, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये है हमारी डिवीजन एल्गोरिदम। अब होता क्या है, देखो डिविडेंड क्या है ऊपर वाले नंबर पे 25, तो ये जो अंदर लिखा हुआ नंबर था ना 25, इसको अगर हम डिवीजन वाले फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो ये आंसर किस तरीके से ड्राइव्ड होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, ऊपर देखोगे तो डिविडेंड क्या है हमारा 25 है, डिवाइजर क्या है 5 है, क्यूशेंट कितना आया है 5, प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो जब हम इसको ड्राइव करने जाएंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, जो हमें एज अ डिविडेंड भी मिल रहा था। तो इस तरीके से डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम में बेसिकली कभी भी डिविडेंड के बारे में तो कम ही पूछता है, रिमाइंडर और क्वेश्चन के बारे में काफ़ी ईजिएस्ट वे में पूछ लेता है, ठीक है। और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अदर्स जो है उनके बारे में जो मैं बता रहा था आपको, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से ड्राइव हो जाती है, क्योंकि वो जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए ये सारी रिमाइंडर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, ये जो था, ये तो था बिल्कुल ईजिएस्ट वे में, कोई नंबर आपको डिवाइड करने के लिए दिया है किसी भी नंबर से, तो आप उसको कर सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के टर्म पे, ठीक है। आप सपोज के लिए डिवीजन एल्गोरिथम आपके आपको किसी अलजेब्रा वाले सिस्टम में या फिर किसी अलजेब्रा वाले फिगर पर लगानी है, ठीक है। जैसे कि एक सिस्टम में हमें दिया है x³ + 3x² + 2x + 1, ठीक है। एक फंक्शन ये दिया है, दूसरा फंक्शन दिया है x+1। तो ये क्या पूछता है ना, कि इस दिए गए फिगर को आपको अगर इस फिगर से डिवाइड करना हो तो डिवीजन एल्गोरिदम में रिमाइंडर कितना आएगा, क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं, देखो कैसे करेंगे, इस पूरे बड़े वाले फंक्शन को अंदर लिख देंगे, बाहर से डिवाइड में चल रहा है x+1। देखो, यहाँ x³ है, यहाँ x⁻ है ना। पावर में 3 बढ़ाने के लिए मुझे कितना चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा, क्योंकि
अगर बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे पावर ऐड ऑन हो जाती है ना, तो बेस सेम है, बेस सेम लिखा जाएगा, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3। ठीक, तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, बचा हुआ 1 से भी मल्टीप्लाई होगा ना, ये एक्स स्क्वायर हमारा एक्स प्लस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, तो एक बार इससे होगा तो एक्स क्यूब आ गया, एक बार इससे होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब जब यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो किस तरीके से चेंज होगा, ये तो सेम टर्म थे तो कट गए माइनस करते हुए। अब यहाँ पे क्या था, 3x² - x² तो कितना आ जाएगा, +2x² + 2x + 1। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स की पावर 1 पहले से मौजूद है, यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर को घटाना है, उसके साथ जो 2 है उसको भी हटाना है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 2 करेंगे और एक्स कर देंगे। देखो एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2x² हो जाएगा, है ना, 2x² हो गया, और प्लस 1 से भी जाएगा ये, है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा और 2x यहाँ पे आ जाएगा। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या रिमाइंडर, 1 बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 1। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² + 2x, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। डिवाइजर क्या आया, डिवाइजर तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है, और ये अंदर वाला टर्म डिविडेंड को नोटिफाई करेगा। ठीक है, अगर मुझे इस पूरे टर्म को निकालना है तो मैं रिमाइंडर थ्योरम का जब यूज करूंगा तो ये मल्टीप्लाई होकर के किसके साथ, क्वेश्चन के साथ, और प्लस उसमें 1 जोड़ दूंगा, तो मुझे ये पूरा टर्म वैसे ही मिलने वाला है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज और जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हम जो हमारी डिवीजन मेथड होती है उसको किस तरीके से यूज करते हैं, है ना, ये सारी चीजें इस पर ही डिपेंड करती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और ये हमारी वीडियो का एंड पॉइंट है जहाँ पे हमने इस वीडियो सीरीज में लगभग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम वगैरह से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, एडवांस लेवल की मैथ्स इसमें अच्छी खासी आती है, अगर कोई भी गवर्नमेंट एस्पायरेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उनको पता होंगे कि यहाँ से कैसे कैसे टॉपिक उठते हैं। ठीक है, उनको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस पता होगी, तो अगर आपको एडवांस लेवल की मैथ्स यहाँ से भी कवर करनी है टॉपिक्स में, जैसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर्स थ्योरम, जितनी भी अदर्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनको कवर कर दूंगा इजिएस्ट वे में। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन होंगे उसके, और तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज सत्यम साइनिंग ऑफ, बाय।